आप देखेंगे टीवी। सुनो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती। प्लीज सारा घर का काम तुम करोगे? यार ये क्या बात है, हर महीने होता है ना तुम्हें ये? तुम्हें क्या पता लड़कियों को कितना कुछ झेलना पड़ता है? तुम्हें क्या पता हम लोगों की कितनी तकलीफ होती है यार? भगवान प्लीज एक दिन के लिए मेरे पति को औरत बना दो। तेरा चेहरा मेरी वाइफ से मिल रहा है। वही लंबी नाक और वही लंबे दांत। कहाँ का तेरी प्रिंस से मिल रही है? देखा है? कि प्रिंस से? So guys, इंडिया में पहली बार हम आपके लिए लेके आए हैं सेक्स चेंज चैलेंज। तो मकसद हमारी ये है कि पता चलेगा मर्दों को कि औरत होना कैसा लगता है और औरत को पता चलेगा कि मर्द होना कैसा लगता है ना? ये काफी ज्यादा बोल्ड चैलेंज है, इंडिया में किसी ने नहीं किया, हमने किया है। पसंद आता हो तो मैं चाहती हूँ इसका पार्ट टू भी बनाऊं, जहाँ पे हम लोग आउटडोर जाकर के एक्सपीरियंस ले। ये तो इंडोर होने वाला है कोविड की वजह से, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 50,000 लाइक देंगे तो हम आउटडोर भी शूट करेंगे सिर्फ आप लोगों के लिए। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। आदमी बन करके तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, अभी देखते हैं प्रिंस जब औरत बनेंगे उन दिनों में उनको कैसा लगता है। तो ये लो तुम्हारा तोहफा। तुमने पहली बार हाथ में पकड़ा, कैसा लग रहा है आपको पैड हाथ में लेकर के? बताओ क्या एक लड़की लड़का क्या फील करता है, मैं वो जानना चाहती हूँ। ये इतना मोटा है। ये मोटा नहीं है, सिर्फ मोटे मोटे आते हैं, ये तो बहुत पतला है। ये इतना मोटा है भाई? नहीं ये बहुत इतना चौड़ा है ये। तो पता तुम्हें पता है लीकेज हर जगह से होती है, आगे पीछे ऊपर नीचे। मैं तुम्हें सिखाती हूँ आज पैड कैसे लेना है। ये देखो क्या लेके आए हैं, इसके साथ नहीं होगा प्रिंस, इसमें नहीं आएगा। क्या? इसमें विंग्स वाले कैसे फिट करोगे, नहीं फिट हो पाएगा भाई विंग्स। हाँ दिस वन इज परफेक्ट, वी शेप में विंग्स अच्छे से फोल्ड हो पाते हैं। तुम दुनिया के पहले मर्द हो जो एक औरत से पैर लगाना सीख रहा है। हाँ वेरी गुड गुड, कीप इट अप, वेरी गुड। ये बताए बिना तुम्हें पता था, फाड़ ही दिया तुमने। ये भी हटाना पूरा? हाँ पूरा हटाओ। पूरा कैसे हटेगा? पेपर हटाना है। हाँ पेपर हटाना है। बहुत से लोग तो पैड का नाम सुन के दो कोस दूर भाग जाते हैं, और तुम हम सब के लिए ये कर रहे हो। प्रिंस के लिए लाइक और बहुत सारी क्लैपिंग। गट्स होने चाहिए किसी भी मर्द में एक औरत का पैड हाथ में लेके और ऐसे करके ये चैलेंज लेने के लिए। आई चैलेंज एवरी मैन आउट देयर टू डू दिस। मैं बताऊं? हाँ। आदमी लोगों को मैंने देखा है बहुत से आते हैं अपनी वाइफ के लिए सैनिटरी पैड लेने के लिए, तो क्या करते हैं? क्या नैपकिन देना, पेपर में लपेट के देना, थोड़ा ब्लैक ऑयल देना। वो जैसे केमिस्ट वाला देता है ऐसे लेके ऐसे रखते हैं जैसे ड्रग्स हो। ऐसे ड्रग्स ले लिया है पुलिस पकड़ लेगी, ऐसा क्यों करते हैं? That's wrong, wrong. हाँ, तभी तो लड़कियां कंफर्टेबल नहीं हो पाती। मैन विमेन दोनों को कंफर्टेबल होना चाहिए पैड बोलने में। ये क्या किया तुमने, कहाँ चिपका है, कैसे चिपकाया? ओए मेरे विमेन गाइस, ये क्या चिपकाया है? उल्टा चिपका, सब उल्टा पुल्टा कर दिया। कितना और जद्दोजहद करना पड़ रहा है। कसम से गाइस पिछले 15 मिनट से प्रिंस से ये पैड लग नहीं रहा है। कुछ लग रही शिप। चलो जाओ पहनता हूँ मैं। ठीक है आप पहनो, मैं यही इंतजार करती हूँ आपका। हम प्रिंस से बीच बीच में पूछते रहेंगे उनको कैसा लग रहा है। A few moments later. क्या हुआ क्या हुआ, कैसा लग रहा है? ऐसे क्यों चल रहे हैं? आपकी चाल को क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? चिपक गया। सच्ची बताओ प्रिंस कैसा लग रहा है? चिपक गया भाई। कहाँ चिपक गया? एक वॉक हो जाए, रैंप वॉक, कम ऑन चल रहा।
पैर तो पहन लिया है, ब्लीडिंग भी तो होगी ना। A few moments later. क्या हुआ? आप इस तरह से लेटे पड़े क्यों हैं? क्या हुआ? बहुत अजीब सा लग रहा है। फील भी हो रहा है, तबीयत खराब हो गई। और गीले होके ना बहुत अजीब सा लग रहा है। गीला क्यों हुआ? आपके तो पीरियड्स आए ही नहीं है, आपने तो पैड ऐसे ही लिया है। गीला कैसे हुआ? प्रिंस का मूड बहुत ऑफ लग रहा है, मैंने प्रिंस को इतना ऑफ और सैड कभी नहीं देखा। अब लग रहा नहीं, लड़कों लोगों को इतनी तकलीफ क्या, कुछ होता ही नहीं। जॉब की टेंशन रहती है, फैमिली की टेंशन रहती है। अभी कंक्लूजन पे मत आओ, अभी पिक्चर बाकी है। मुझे पता है, चेंज करो अपना पैड, क्योंकि हर 3 से 4 घंटे बाद हमें पैड चेंज करना होता है। और इस बार का पैड तुम्हारा पसीने से गीला नहीं होगा, बल्कि गीला होगा ब्लड से। रीमा शुक्ला, भूमि वर्मा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चाहते हो आपका नाम मैं अपने चैनल पे फ्लैश करूं, तो आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और टाइप करना पड़ेगा #BeNaturalHeart। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पॉपअप पे चल रहा है आई हार्ट ब्यूटी सेल। अप टू 50% ऑफ आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स पे मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ स्टेक वर्की के डिफरेंट न्यूली लॉन्च स्टेक वर्की के शेड। जो पहला शेड है ये पीछे पिंकिश और ऑरेंज कलर का मिक्सचर है, मैट फिनिश के साथ इसके अंदर ग्लिटर भी है। 3 और नेल पेंट दिखा रही हूँ जो तीनों ऑरेंज कलर में है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज है। जो पहला ऑरेंज है इसके अंदर क्रिस्टल सी शाइन है, ग्लिटर्स हैं, और लगाने में ही एकदम ड्राई हो जाते हैं, मतलब नेल पेंट सुखाने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। 1, 12, 18 ऑरेंज शेड्स हैं। अब ये वाला भी ऑरेंज शेड है, पर इसके अंदर ब्लैक क्यूट क्यूट से बीट्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आपने नेल आर्ट किया हुआ है। सारे सर्कल शेप में आते हैं, डॉट डॉट से फिंगर्स के ऊपर चिप ऑफ नहीं होते हैं आपके नेल से, और बहुत ही अच्छा शाइन करता है। जितने भी नेल पेंट मैं दिखा रही हूँ सबका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप क्लिक करके अपने लिए परचेज कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग सिंगल स्ट्रोक एप्लीकेशन, इजी लेयरिंग, हाई कलर पे ऑफ आपको मिल जाता है। और ये तीसरा ऑरेंज शेड मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर गोल्डन और सिल्वर ग्लिटर है। नेक्स्ट मैं आपको 3 और शेड्स दिखा रही हूँ जो कि रेड फैमिली से हैं। फर्स्ट एकदम रेड मैट नेल पेंट है, ब्लड रेड आप बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगेन रेड है पर थोड़ा डार्क है, और इसके अंदर भी ब्लैक बीड्स हैं, और ये टेक्सचर वाले बीड्स हैं जिसको आप फील कर सकते हो। और उसके बाद जो मैं आपको रेड दिखा रही हूँ ये भी एकदम मैट है, रेड ग्लिटर और गोल्डन ग्लिटर का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। ये लास्ट वाला मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इस बार का पैड तुम्हारा पसीने से गीला नहीं होगा, बल्कि गीला होगा ब्लड से। ओह माय गॉड, इतना सारा ये फूड कलर डाल रहे लाल है। तो गाइस यहाँ पे ब्लड भरा जा रहा है इंजेक्शन में, पैसे को देने वाला इंजेक्शन है जो प्रिंस को लगाया जाएगा उनके अंडरवेयर में। बताइए मर्द, आपको पैड पहन के कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गला खोड़ दिया, टेढ़ा दबा दिया सब पैक हो गया, और पता नहीं अजीब सा लग रहा है ना, उस जगह पे ना पसीना आना बड़ी जल्दी स्टार्ट हो गया। यही तो प्रॉब्लम होती है जितनी भी लड़कियां पैड लेती हैं, इसलिए मैं कहती हूँ मेंस्ट्रुअल कप लिया करो, पैड लेने में पसीने आते हैं और ब्लड का गीलापन अलग होता है। अभी तो गीला गीला स्टार्ट होगा। गाइस आप एक्साइटेड हो जानने के लिए कि जब ये भैंस का सुआ फ्रेंड्स के अंदर जाएगा तो कैसा लगेगा। ये पीछे पाइप है, यहाँ से इंजेक्शन जाएगा तो आगे तक हो जाएगा। गाइज इस एक्सपेरिमेंट से उम्मीद है तो बहुत थी कि पाइप के थ्रू डाला जाएगा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो हम करेंगे प्लान बी। सो गाइज इंजेक्शन से ब्लड डालने का उतना नहीं चल पाया, फ्लॉप हो गया हमारा आइडिया, तो प्लान बी ये है कि अब हम हाथों से पैड के ऊपर ब्लड डालेंगे, क्योंकि इंजेक्शन से नहीं हो पा रहा, मतलब उस पाइप पूरा मत डाल देना क्योंकि हमें इतना भी नहीं होता, कुछ मुझे बताओ। दो चम्मच से ज्यादा मत डालना क्योंकि इतना ही बस, आई थिंक इतना काफी होगा। ये एकदम रियल का ब्लड लग रहा है। जब पहली बार लड़कियों का पीरियड्स होता है तो इतना खून अपने पैड पे देख के हम डर जाते हैं। फर्स्ट टाइम मैं डर गई थी, बट हमें डरना नहीं है, हमें डर का सामना करना है, इसीलिए हम ये चैलेंज कर रहे हैं। तो चलो ये ब्लड वाला पैड लगाओ और एहसास करो कैसा लगता है हम औरतों को। मुझे बख्श दो मेरे लिए तो यार सारी लड़कियां महान है, मैं तो हर बार तारीफ करता हूँ, लेकिन मुझे और लड़कों की सजा क्यों मिल रही है भाई?
प्रिंस ने पहन लिया है गीला पैड ब्लड वाला, अभी उनको थोड़ा टाइम देते हैं एक्सपीरियंस करने का और मिलते हैं आपसे 3-4 घंटे बाद। तब तक देखती हूँ प्रिंस को क्या फील होता है, ठीक है? 4 घंटे बाद मिलते हैं, बाय बाय। गाइस पैड लिए प्रिंस को, आधा घंटा हो गया है पर तब से वो इधर से उधर मंडरा रहे हैं, वो बैठ ही नहीं रहे। भाई बैठ भी जाओ, बैठ क्यों नहीं रहे हो आप? बैठो बैठ, चिपक जाओ बेटा, सब चिपक जाएगा पूरा। अरे बैठ जाओ। नहीं यार बैठने में बहुत तकलीफ हुई मुझे, बहुत अजीब सा लग रहा है। ये क्या कर रहे हो प्रिंस, बैठो। जितनी भी लड़की अभी नेशनल को देख रही है ना, आपको पहला एक्सपीरियंस सुनने को मिल जाएगा कि लड़कों को कैसा लगता है, तो ध्यान से सुनना। चलिए बताइए। शब्द ही नहीं कुछ बोलने के लिए भाई, क्या बोलूं मैं यार, बहुत टफ है यार बाबू, मैं निकालना ही। ये मैं उन लोगों के लिए कहूंगा। विग निकालने को कह रहे हो? अच्छा विग नहीं, ये नीचे निकालना नीचे निकालना यार, अभी झेला। अच्छा जाओ चेंज करके आओ फिर बात करते हैं, ठीक है जाओ। लेकिन तुम्हारे 24 घंटे के चैलेंज का क्या हुआ? गाइस चैलेंज यहाँ खत्म होता है। बाकी कई महिलाएं फिल्म इंडस्ट्री में कर रही हैं, पुलिस लाइन में हैं, डॉक्टर फील्ड में हैं। मुंबई में मैंने ऑटो चलाते हुए भी कई महिलाओं को देखा है, और हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट, नेवी, हर जगह महिलाएं हैं। जो आदमी लोग काम कर रहे हैं महिलाएं भी वही काम कर रही हैं। पर ये गर्भ धारण करना, एक जान को धरती पे लेके आना, पीरियड्स से सामना करना जो कि मर्द नहीं कर सकते, और मर्द ये तकलीफ समझ भी नहीं सकते। मुझे पहले से बातें पता थी पर आज वो मैंने एक्सपीरियंस फील किया, तो मुझे लग रहा नहीं हुआ कि मैं सभी लेडीज को तकलीफ होती है ये। मुझे तो पेन नहीं हुआ, पेन तो उससे ज़्यादा होता है स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन में, किसी किसी को होता है किसी किसी को नहीं होता। जितनी भी टीनएजर्स लड़कियां हैं 13 साल की 14 साल की फर्स्ट टाइम आते हैं, तो आप अपनी मम्मा से बात करें, घर में जो बड़ी सिस्टर उनसे बात करें, डरे नहीं, आपने गुनाह नहीं किया, कोई आपको बीमारी नहीं है, आप शेयर करें। और जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आप अपने लड़कियों को अच्छी तरह समझाएं, उन्हें ये ना बोले छी खाने को हाथ ना लगाए, छी आराम से बात कर, चुपके से पढ़ लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि अनाउंस करो पर उसका हवा मत बनाओ। यही है कि सभी डॉटर्स को मदर अच्छी तरह उनको बताए, और उनको ये ना लगे कि ब्लड उनका गंदा होता है, आपकी बॉडी का पार्ट है वो। तो इन चीज़ों से बच्चों को, बच्चियों को ना डराओ, ये मोटिवेट करो, बोल्ड बनाओ, बस यही बात ही। मेन अलग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, वीमेन अलग निभाती है, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है ना कि सारे मेन ये बात समझते नहीं है कि औरतें बहुत कुछ सहती हैं। प्लीज इस वीडियो का मेन मोटिव समझिए कि हम पीरियड्स के बारे में और कंफर्टेबल करना चाहते हैं हमारे समाज को, ताकि हर कोई फ्रीली इसके बारे में बात कर सके, सिर्फ एक यही मकसद था। मैं यहाँ दोबारा नहीं कहना चाहूंगा कि मेरा एक कॉमेडी चैनल है, वहाँ मैं रक्षाबंधन की वीडियो बना चुका हूँ, बीवी का गुलाम, लॉकडाउन में पतियों की क्या हालत हो जाती है, वो वीडियो बना चुका हूँ। अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना, मैं बोल नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि मैं बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। और इनका ब्लॉग चैनल भी है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जाइए, हैप्पी मैरिड कपल लाइफ दिखाते हैं अपनी वाइफ के साथ, ये बता रहे हैं बस। आपका मन हो तो देख लेना, आपसे भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक दे देना, जो जो वीडियो देखेगा सिर्फ उसको लाइक करना है, शेयर करना है। बाय 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 गाइस।